ये मैंने टिश्यू लिया है, ये इसकी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। ये अब हम यहाँ से इसके किनारों से इसको हम अलहदा कर देंगे। ये देखें, ये हमने ये अलहदा कर लिया और ये हमारे पास टिश्यू आ गया। अब हम ये एक शीशे की प्लेट लेंगे और इसको देखेंगे कि हमने इसको फूल को कैसे सेट करना है। ये हम ऐसे सेट करेंगे, ये इसको हम अभी साइड पे कर देते हैं, ये सीधी साइड, इसको उल्टा लेंगे, एक ब्रश की मदद से ग्लू लगा लेंगे, सारी जगहों पे अच्छी तरह ग्लू लगा लेंगे। किनारों पर अच्छी तरह लगाना है, कोई भी जगह खाली ना रहे। ये हमारी ग्लू लग गई है सारी। टिशू को ऐसे रखेंगे और जिधर हमने सेट करना है उधर हम इसके ऊपर इसको इस तरह रख देंगे। इसको अब हम उल्टा देते हैं, उल्टा दिया और इसको बड़े एहतियात के साथ इसको हमने सेट कर लेना है। इसके फटने का डर होता है इसलिए आपने बड़ी एहतियात के साथ इसको सेट करना है। किनारों पर अच्छी तरह आपने लगा लेना है। ये देखें, किनारे भी अच्छी तरह लग गए हैं। इधर अब हम हल्का हल्का किनारों पर पानी लगाकर इसको हम साथ साथ उतारते जाएंगे। ये पानी लगा लगा कर इसको मैं उतार रही हूँ हल्का हल्का। ये देखें, ये इतना ज़्यादा ये उतर गया। ये हमने पानी की मदद से टिश्यू के बाहर की साइड पे हमने पानी लगाना है, प्लेट के ऊपर पानी नहीं लगाना। इसको अब हम फैन लगाकर 5 मिनट के लिए इसको हम ड्राई कर लें। ये ड्राई हो गया, 5 मिनट लगे हैं। अब इसके ऊपर हम दोबारा से एक ग्लू का कोट कर देंगे इसको पक्का करने के लिए और फिर दोबारा से इसको हम खुशक कर लेंगे। ये उल्टी साइड पर दोबारा से इसको अच्छी तरह ग्लू लग गई है। अब इसको हम फिर से एक दफ़ा ड्राई कर लेंगे इसके ऊपर फैन चलाकर। और अब एंड में ये रेयर वार्निश है, इसके ऊपर अब हम वार्निश का कोट कर देंगे। ये सारे हम किनारों पर ये हमारा वार्निश का कोट मुकम्मल हो गया। अब इसको ड्राई होने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा, तो फिर आपको मैं बाद में दिखाती हूँ। ये 1 घंटा हो गया, इसकी प्लेट की उल्टी साइड है, ये सारी सूख गई है। ये देखें, ये सारा ये सूख गया। अभी इसको हम सीधा करते हैं, तो ये देखें, ये हमारी खूबसूरत सा मराई है तैयार हो गया।